हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष computerhindinotes.com से और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे बनाते हैं। दोस्तों, वैसे फंक्शन तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड हैं, जैसे हमने पार्सेंट यूज किया था या हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और उसको करने के पहले हम एक बार समझ लें कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, फंक्शन क्या होता है? एक सब प्रोग्राम होता है, मतलब एक छोटा कोड होता है जिसको आप कई बार कॉल कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको एक बार लिखते हो और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, और ऐसा करने से जो कोड की रीयूजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो कोड की मॉड्यूलरिटी है वो बढ़ जाती है। रीयूजिबिलिटी मतलब होता है कि आपने कोई कोड एक बार लिखा है और उसको आप बार बार यूज कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट में, तो मतलब आप कोड को रीयूज कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क करने के लिए, अगर उस टास्क को आप मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो वो कहलाता है कोड की मॉड्यूलरिटी। मान लीजिए हमें एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो उस कैलकुलेटर में हमारे पास चार बेसिक फंक्शन होंगे, एक ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई करने का। तो अगर ये चारों चीजों को हम अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में डिवाइड कर दें और बाकी जो हमारा कोड है वो अलग रखें, तो इससे होगा ये कि कोड जो है वो मॉड्यूलर हो जाएगा, मतलब हमने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सब प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये सब काम हम जो करते हैं वो फंक्शंस कहलाते हैं। तो फंक्शन को सबसे पहले यूज करने के पहले हम क्या करना पड़ता है, हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फंक्शन को यूज करने के लिए तरीके से दो स्टेप हैं। पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, और दूसरा होता है फिर हमारा कॉलिंग, मतलब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उसको एक्चुअली में रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसको क्या करना पड़ता है, हमें कॉल करना पड़ता है। अब दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले जावास्क्रिप्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को आप कई जगह लिख सकते हो। तो अभी हम यहां देखने वाले हैं, अभी जैसे हमने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी है वो हमने सब बॉडी टैग के अंदर लिखी है, बट आज हम देखेंगे कि अगर आपको हेड के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है और उसको चलाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो अधिकतर क्या होता है कि जब भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं तो हम उसको हेड के अंदर डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें जब कॉल करना होगा तब हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अगर हमने बॉडी के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो जब भी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जब भी हमारा वेब पेज चलेगा, तो तुरंत ही हमारा जो स्क्रिप्ट लिखी होगी हमने वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अभी जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो कहां लिखेंगे, हम लोग हेड के अंदर। तो बहुत सिंपल होता है, आप हेड के अंदर भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे टैग। अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, तो हम लिखते हैं फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम। तो सपोज अभी हम यहां पे फंक्शन बनाते हैं हेलो नाम का। अब यहां पे हमने फिर कर्ली ब्रेस लिखे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको यहां पे कोई भी स्टेटमेंट हम यहां लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप कर सकते हैं, वो तब चलेंगे जब इस हेलो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। हम यहां पे सिंपल लिख रहे हैं, अभी हम सपोज अलर्ट, और यहां पे हम लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन एंड डिक्लेयर, मतलब हमने यहां पे फंक्शन को डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है, और फंक्शन का नाम हमारा क्या है, हेलो। हमें जहां भी इस फंक्शन को कॉल करना है वहां पे सिंपल हम हेलो लिख देंगे। अब आपको ये याद रखना है कि ये हम स्क्रिप्ट के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी में स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको कॉल किया है। इसको हम सेव करते हैं और एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि यहां पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो कॉल, जैसे मैंने यहां पे इसको 3 times लिख दिया और उसके बाद मैंने यहां पे एग्जीक्यूट किया, तो देखिए फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, सेकेंड और ये थर्ड। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें बस फंक्शन का नाम लिखना होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको कि फंक्शन में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले से हमने बताया कि फंक्शन कीवर्ड हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहां ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फिर उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है कर्ली ब्रेस के अंदर, और यहां पे हमें जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो हम यहां पे लिख सकते हैं। सपोज हमने यहां पे हेलो फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं यहां से हम कोई भी नाम पास करें, एक वैल्यू पास करें, तो वो वैल्यू यहां पे आ जानी चाहिए, वो वैल्यू यहां पे अलर्ट में दिखनी चाहिए। तो सपोज हमने लिख दिया हेलो और यहां पे हमने ब्रैकेट में नेम पास कर रहे हैं, और यहां पे हमने लिखा प्लस नेम।
अब देखिए फंक्शन को हमने एक बार डिफाइन कर दिया है, बट हम उसको अलग अलग बार अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पास किया मेरा नाम, दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे आप कि एक ही फंक्शन है, बट उस फंक्शन को कॉल करते समय हमने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मेरा नाम आ रहा है, फिर हेलो मनीष, और फिर हेलो अंकित। तो इस तरीके से आप जो फंक्शन है वो डिफाइन करके आप अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया, और इस बार हम क्या करना चाहते हैं, हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आप दोगे, जो भी नंबर आप फंक्शन कॉल करते समय भेजोगे, उसका हमें स्क्वायर चाहिए है। तो यहां पे हमने एक लिखा नम, और हमने एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यहां पे टेम्प, कुछ भी नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम लिखा टेम्प इक्वल टू नम इंटू नम, और इसके बाद यहां पे हमने लिख दिया अलर्ट स्क्वायर इज, और यहां पे हमने स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टेम्प में है वो हमने प्रिंट कर दिया। अब यहां पे एक फंक्शन हम तो पहले जो हमने बनाया था वही कॉल करते हैं, दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया स्क्वायर, और यहां पे मैंने पास किया 6। अब इसको हम यहां पे रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, तो पहले पहला फंक्शन कॉल हुआ और फिर दूसरा, यहां देखेंगे आप स्क्वायर इज 36 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि अभी ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इस फंक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, तो हम यहां पे एक बार लिख देते हैं जिसमें आपको याद रहे कि फंक्शन का नेम पहले आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, जो मतलब हम वैल्यू पास कर रहे हैं कॉल करते समय, वो हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। फिर फंक्शन की बॉडी होती है, और एक और आखिरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, चार चीजें होती हैं, फंक्शन का नाम ये है, ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये फंक्शन की बॉडी है। अब रिटर्न मतलब क्या होता है कि जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो जहां से हमने कॉल किया है वहां पे एक वैल्यू रिटर्न करनी है हमको। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने यहाँ पे अलर्ट यहां लिखा है वो हम यहां नहीं लिखना चाहते, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे नॉर्मली हम फंक्शन कॉल करते हैं वैसा ही, जैसे हमने कहा कि वेरिएबल आंसर इक्वल टू स्क्वायर 6, तो हम यहां क्या चाहते हैं कि जो स्क्वायर में हमने जो वैल्यू भेजी है उसका स्क्वायर होके इस आंसर में स्टोर हो जाए। और फिर यहां पे हम लिखेंगे सपोज कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और स्क्वायर ऑफ नंबर इज, और यहां पे हमें प्रिंट करना है कि जो आंसर है वो क्या है। तो ऐसा करने के लिए हमें यहां पे रिटर्न लगाना पड़ेगा, और रिटर्न लगाना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ यहां लिखना पड़ता है रिटर्न, और ब्रैकेट में जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है यहां से वो हम लिखेंगे। तो इससे ये होगा कि जब भी हमने यहां से फंक्शन कॉल किया, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इक्वल होता है, तो पहले इक्वल की जो राइट साइड में लिखा होता है पहले वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहां से स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा, ये 6 चला गया नम में, और यहां पे फिर हमने क्या किया टेम्प इक्वल टू नम इंटू नम, और उसके बाद हमने टेम्प को रिटर्न किया। तो ये जो टेम्प है इस टेम्प की वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगी, आंसर में, ANS में, और फिर हमने ANS को प्रिंट कर दिया। अब इसको अगर हम चला के देखते हैं एक बार, हमने रिफ्रेश किया, पहला फंक्शन कॉल हुआ और फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, उसमें हमने 6 वैल्यू भेजी, और फिर यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट हो गया ये। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन डिक्लेयर करने के लिए हमें उस फंक्शन का नाम लिखना होता है, आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं कोई तो लिखने पड़ते हैं, और अगर हमें रिटर्न करना है तो वो लिखना पड़ता है। दोस्तों यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी फंक्शन जिसमें रिटर्न लिखा हो या ना लिखा हो वो रिटर्न तो करता ही है, ऐसा सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है। तो अगर आपने कोई रिटर्न नहीं लिखा है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है, अनडिफाइंड, और अगर आपने रिटर्न लिखा है तो जो आपने रिटर्न लिखा होगा वही वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अब जैसे यहां पे मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया और उसका मैंने नाम रखा क्यूब, ठीक है, उसमें भी हम यही सब चीजें करने वाले हैं। तो हम इसको यहां से कॉपी पेस्ट करके बस एक बार यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां पे अगर ऐसा करना चाहता हूं कि मैंने लिखा क्यूब 2, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर आप समझ लीजिए एक बार। यहां मैंने क्या किया है, पहले हमने कहा कि 2 का क्यूब करो और उसकी वैल्यू रिटर्न होगी यहीं पे, और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो हमने लिख दिया स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर इज,
तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर 64। ठीक है, तो पहले 2 का क्यूब हुआ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया, और फिर 8 का स्क्वायर तो वो क्या हो गया 64। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हमने फंक्शंस के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया है, मतलब फंक्शन कॉल में ही। हम आने वाले वीडियो में कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें आपको मैं फंक्शन के बारे में और ज्यादा बता पाऊं डिटेल में, बट अभी बहरहाल आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। और मैंने चीज आपको ये भी बताई कि फंक्शंस जो होते हैं उसमें आप चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स चाहें तो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और रिटर्न भी चाहें तो ऑप्शनल होता है। तो फंक्शंस के थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।